हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। और हम यहाँ पे आज देखने वाले फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइल हैंडलिंग इन सी इन प्रोग्रामिंग वी में रिक्वायर सम स्पेसिफिक इनपुट डेटा टू बी जनरेटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। समटाइम्स इट इज़ नॉट इनफ टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल। द डेटा टू बी डिस्प्लेड मे वेरी लार्ज एंड ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल। And since the memory is volatile, it is possible to recover the programmatically generated data again and again. However, if we need to do so, we may store it on the local file system, which is volatile and can be accessed every time. Here comes to need of the file handling in C. जब हम लोग C programming बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे हम लोग इनपुट्स लेते हैं और काफ़ी सारे हम लोग आउटपुट्स देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसोल स्क्रीन पे वो सारे आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर पाता है, मींस वो कंटेंट काफ़ी लार्ज होते हैं, वहाँ पे स्क्रॉलिंग फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वो उतने सारे वहाँ पे जो हमारे डेटा है उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता है, वो काफ़ी लार्ज डेटा होते हैं। और जो हमारा मेमोरी भी जो होता है वोलेटाइल होता है, इसी कारण भी वहाँ पे वो आउटपुट को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मींस अगर हमें सेम आउटपुट या फिर सेम इनपुट हमें बाद में भी कभी लेना है तो हम लोग नहीं रख पाते, क्योंकि जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो मेमोरी में असाइन किया गया है, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। तो इसके कारण वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो इनपुट और आउटपुट वहाँ पे देते हैं वो ज़्यादा देर तक अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया गया है। File handling in C enables us to create, update, read and delete the files stored on the local file system through our C program. File handling में हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी files के बारे में बात करेंगे। अगर हमें कोई भी input लेना है या फिर output display करना है या फिर output को store करना है, हम लोग files के through भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो file handling C programming language में एक ऐसा concept है जिसके through हम लोग फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, फाइल्स को रीड कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और फाइल्स में कुछ अगर हमें राइट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके या फिर कोई भी ऐसा सी प्रोग्राम बना के। तो फाइल्स के लिए कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं, लाइक क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, डिलीटिंग द फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास फाइव टाइप के ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं, क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, डिलीटिंग द फाइल। अगर हमें फाइल को क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, ओपन करना है ओपन कर सकते हैं, रीड करना है अगर कुछ कंटेंट हमें रीड करना है फाइल से तो हम लोग रीड कर सकते हैं, कुछ अगर हम लोग को कंटेंट राइट करना है तो हम लोग राइट कर सकते हैं, अगर उस फाइल को हम लोग को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे हम लोग को सी लाइब्रेरी के द्वारा कुछ हम लोग को फाइल हैंडलिंग के लिए फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस फंक्शन के द्वारा हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो हम लोग इस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट फंक्शन है एफ ओपन, ओपन्स न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल। एफ प्रिंट एफ राइट्स डेटा इनटू द फाइल, एफ स्कैन एफ रीड्स डेटा फ्रॉम द फाइल, एफ पुट सी राइट्स ए कैरेक्टर इनटू द फाइल, एफ गेट सी रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, एफ क्लोज क्लोजेस द फाइल, एफ सीक सेट द फाइल पॉइंटर टू द गिवन पोजिशन, एफ पुट डब्ल्यू राइट्स एन इंटीजर टू द फाइल, F get W reads an integer from the file, F tell returns the current position, rewind sets the file pointer to the beginning of the file। तो यहाँ पे हम लोग बस 11 functions available होते हैं file handling के लिए, जो हम लोग को C library के through पहले से available होते हैं। यहाँ पे सबसे first हम लोग function देखते हैं F open। We must open a file before it can be read, write or update. The fopen function is used to open a file. The syntax of the fopen is given below. fopen जो function available है
तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। जब भी हम लोग कोई भी एक फाइल रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या उसमें कुछ अपडेशन हम लोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस फाइल को हमें ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद ही हम लोग उसमें रीड, राइट, अपडेट हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल जो हमारा है, एक डेटा टाइप होता है फाइल। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एफ ओपन जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे। देन उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा फाइल का पाथ देंगे। देन उसके बाद सेकेंड पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे मोड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं, लाइक रीडिंग, रीड मोड, राइट मोड, इस टाइप से अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एफ ओपन फंक्शन होता है दो टाइप के पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। द फाइल नेम, जिसको हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालते हैं। इफ़ द फाइल इज स्टोर्ड एट सम स्पेसिफिक लोकेशन देन वी मस्ट मैंशन द पाथ एट विच द फाइल इज स्टोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप का हम लोग एक पाथ देंगे, पूरा का पूरा पाथ, सी के अंदर सम फोल्डर देन सम फाइल डॉट एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन। देन उसके बाद सेकेंड पैरामीटर है द मोड इन विच द फाइल इज़ टू बी ओपन्ड, इट इज़ ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोड। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले आर, स्मॉल आर, ये होता है ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड। डब्ल्यू, ओपन से टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। ए, ओपन से टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड। आर प्लस, ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू प्लस, ओपन से टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए प्लस, ओपन से टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। आर बी, ओपन से बाइनरी फाइल इन रीड मोड। डब्ल्यू बी, ओपन से बाइनरी फाइल इन राइट मोड। ए बी, ओपन से बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड। आर बी प्लस, ओपन से बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू बी प्लस, ओपन से बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए बी प्लस, ओपन से बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। तो यहाँ पे हमने कुछ मोड्स देखे जो रीड और राइट अपेंड के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाते हैं। देन इसके बाद देखते हैं एफ ओपन फंक्शन जो है वर्क कैसे करता है। फर्स्टली इट सर्चेज द फाइल टू बी ओपन। सबसे पहले सर्च करेगा जो भी हम लोग वहाँ पाथ देंगे फर्स्ट पैरामीटर में, उस पाथ के हिसाब से वो सबसे पहले उस फाइल को सर्च करेगा और उस फाइल को ओपन करेगा। देन इट लोड्स द फाइल फ्रॉम द डिस्क एंड प्लेस इट इन टू द बफर। देन उस फाइल को उस पाथ से लोड करेगा और उसके बाद बफर पे टेम्प्रेरीली उसको स्टोर करेगा। द बफर इज़ यूज टू प्रोवाइड एफिशेंसी फॉर द रीड ऑपरेशंस। बफर जो होता है जनरली एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है, जब भी हम लोग किसी भी फाइल से कोई कंटेंट रीड करना चाहते हैं उसके लिए। इट सेट्स अप द कैरेक्टर पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर सेट किया जाता है जो कि किसी भी टेक्स्ट फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, उसके बाद ही उस फाइल को रीड करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट, जो हमारा हेडर फाइल है, वॉइड मेन हमने लिखी है। देन उसके बाद फाइल एस्ट्रिक ऑफ एफ पी, हम लोग ने एक वेरिएबल बना लिया, फाइल वेरिएबल है, फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल। देन उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कैर सी एच, जो एक कैरेक्टर का वेरिएबल है। देन उसके बाद एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, और हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया है फाइल हैंडल डॉट सी, जो इसी प्रोग्राम को हमने सेव किया है, सेम फाइल नेम हमने दिया है। यहाँ पे हम लोग इसको खोल रहे हैं रीडिंग मोड पे, हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं रीडिंग मोड पे। तो यहाँ पे हमने दे दिया स्मॉल आर। वाइल ऑफ वन, वाइल ऑफ वन हमने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमेशा ट्रू रखा है। इसकी वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी जब तक फाइल एंड नहीं हो जाता। यहाँ पे सी एच इक्वल टू एफ गेट सी ऑफ एफ पी। एफ पी मीन्स यहाँ पे हमने जो फाइल डॉट फाइल हैंडल डॉट सी, हमने जो फाइल लिया है उसको यहाँ पे रीड करेगा। एफ गेट सी क्या करता है कि वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और एक एक सिंगल कैरेक्टर इस सी एच नाम के वेरिएबल पे स्टोर करते जाएगा। जब तक सी एच जो है एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता। एंड ऑफ फाइल एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उस फाइल के कंप्लीशन मीन्स एक एंड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि अब यहाँ पे फाइल ख़त्म हो चुकी है हमारी।
जो हमारा कंटेंट है वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इफ़ सी एच इक्वल टू एंड ऑफ फाइल देन ब्रेक, जैसे ही एंड ऑफ फाइल तक आ जाएगा उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। देन उसके बाद प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच, यहाँ पे हम लोग का वाइल ख़त्म हो जाता है, मतलब वाइल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हम लोग का वाइल ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद एफ क्लोज ऑफ एफ पी, हम लोग ने यहाँ पे एफ ओपन से ओपन किया था फाइल को, देन उसके बाद सारे अपडेशन या फिर रीड या फिर राइट जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो करने के बाद फाइल क्लोज कर देंगे। तो वन बाय वन कैरेक्टर रीड करेगा और कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा इस ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सेम यहाँ पे रीड कर रहा है। देन हम लोग को इसको क्लोज करना है, अगर फाइल को जो हमने ओपन किया है उसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग फाइल एफ क्लोज फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। द क्लोज फंक्शन इज़ यूज टू क्लोज ए फाइल, द फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन ऑन इट। द सिंटैक्स ऑफ एफ क्लोज फंक्शन इज गिवन बिलो, इंट एफ क्लोज फाइल ऑफ एफ पी। तो एफ क्लोज फंक्शन से हम लोग जो भी ओपन फाइल है हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग आते हैं सी प्रिंट एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ फंक्शन पे। तो राइटिंग फाइल एफ प्रिंट एफ फंक्शन, जनरली हम लोग एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है उसको हम लोग राइटिंग फाइल भी बोलते हैं। मीन्स अगर हम लोग को कोई भी फाइल पे कुछ कंटेंट राइट करना है तो हम लोग एफ प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। द एफ प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू राइट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन टू द फाइल, इट सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू ए स्ट्रीम। कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग को फाइल पे राइट करना है तो हम लोग एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेटेड आउटपुट को चेंज कर देता है स्ट्रीम पे, तो स्ट्रीम जाके वो फाइल पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि फाइल्स में जितने भी हम लोग वहाँ पे कंटेंट हम लोग देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर होते हैं, सिम्बॉल्स होते हैं, सारे के सारे स्ट्रीम्स होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम वो जाके स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इंट रिटर्न टाइप है इंट एफ प्रिंट एफ फाइल एस्टिक ऑफ स्ट्रीम, देन उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर फॉर्मेट, देन उसके बाद कुछ आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास करने होते हैं। तो फाइल स्ट्रीम में क्या होगा कि हम लोग को एक पाथ देना होगा जो भी फाइल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकता है, नॉन एग्जिस्टिंग फाइल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन उसके बाद हमने लिया है मेन फंक्शन, देन हमने यहाँ पे फाइल का एक वेरिएबल बना लिया है एफ पी, एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, हमने एक फाइल को ओपन किया फाइल डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे हमने उसको ओपन किया है राइटिंग मोड पे, तो यहाँ से फाइल को राइटिंग मोड पे ओपन कर देगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, देन उसके बाद एफ प्रिंट एफ एफ पी, देन उसके बाद यहाँ पे हमने पास किया एफ पी, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे हेलो फाइल बाय एफ प्रिंट एफ डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हम लोग ने हेलो फाइल बाय एफ प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा है, एफ प्रिंट एफ क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा एफ पी, एफ पी को ओपन करेगा और ये वाले कंटेंट को उसमें राइट कर देगा। मीन्स हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में ये फाइल ब्लैंक हो और हमने पहला कंटेंट यहाँ पे उसमें राइट किया हो, जैसे ही वो राइट करेगा और राइट करने के बाद उसको सेव कर देगा, देन उसके बाद हम लोग उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आता है रीडिंग फाइल एफ स्कैन एफ, द एफ स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू रीड सेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, इट रीड्स ए वर्ड फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ द फाइल। एफ स्कैन एफ फंक्शन जो होता है वो किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है। इट रीड्स ए वर्ड फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ द फाइल। मीन्स यहाँ पे जो रीड हो रहा है वो वर्ड बाय वर्ड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं, एफ स्कैन एफ फाइल एस्टिक ऑफ स्ट्रीम कॉन्स्टेंट कैर फॉर्मेट, यहाँ पे हम लोग फाइल का पाथ देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर हम लोग देंगे जो भी हम लोग का मोड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, देन उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर बफर हमने बना दिया, इसका साइज दे दिया 250। ये एक बफर जो है हमारा एरे है,
क्रिएटिंग कैर एरे टू स्टोर डेटा ऑफ द फाइल, जो भी फाइल हम लोग ओपन करेंगे उसके जितने भी वर्ड्स होंगे वो इस कैरेक्टर एरे में आके स्टोर होंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एफ पी इक्वल टू एफ ओपन फाइल डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग रीडिंग मोड पे इसको ओपन कर रहे हैं, वाइल एफ स्कैन एफ एफ पी परसेंट एस, उसके बाद बफर को हम लोग पास किए, इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, मीन्स लास्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए या फिर एंड ऑफ द फाइल नहीं होना चाहिए, तब तक वो लूप चलते रहेगा। देन उसके बाद परसेंट एस बफर, यहाँ से रीड करते जाएगा और यहाँ से वो उसको प्रिंट करते जाएगा। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का हेलो फाइल बाय एफ प्रिंट एफ, ये जो हम लोग ने अभी अभी जो फाइल बनाया था उसी को ही हमने यहाँ पर रीड किया, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा।